मिनी आईपीएल के लिए एबी डिविलियर्स की नई टीम कंफर्म हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 722वां एपिसोड। आज 22 अगस्त की तारीख हो गई है और रोज की तरह आज भी आईपीएल, एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। बहुत सारी खबरें पिछले 24 घंटे में निकल कर आई है। एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सारी खबरें सबसे पहले देते हैं लाइक और शेयर, तब कर ही देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भैया देर कर रहे हैं यार, जल्दी 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 देर मत करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो के। आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से, तो कोच के बाद अब पंजाब वाले कप्तान बदलने की भी पूरी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि कल रिपोर्ट ये कंफर्म्ड आ चुकी है कि पंजाब किंग्स को नया कप्तान मिलने वाला है, मयंक अग्रवाल का पत्ता कटने वाला है। ये तो शायद मैं आपको पिछले 6 महीने से बता रहा हूँ, जब से आईपीएल चल रहा था तब से बोल रहा था मयंक अग्रवाल अब कप्तान नहीं रहने वाले, तो वही हुआ है मयंक अग्रवाल की जगह। लेकिन जो सबसे शॉकिंग चीज हुई है वो ये है कि जॉनी बेस्ट्रो कप्तान बन सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो शायद पंजाब अपनी दूसरी बड़ी गलती कर देगी। पहली गलती इन्होंने कल कर दी थी कुंबले को बाहर कर कर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो यार 2013 के बाद आखिर क्यों भारत ने नहीं जीती आईसीसी की एक भी ट्रॉफी? कल हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे सब्सक्राइबर शुभांकर साहू ने हमसे सवाल पूछ लिया था। शुभांकर भाई ने अपना जो सवाल पूछा था उसका जवाब तो देंगे, आप लोग भी अपना सवाल पूछो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछो, आपके सवाल का जवाब दे देंगे कल वाली वीडियो में। हमारी वीडियोस का हिस्सा बन जाओ दोस्तों, क्योंकि आपके सवाल का जवाब भी देंगे और आपका नाम भी कल हमारी वीडियो में आएगा। तो सवाल पूछ लो, एशिया कप, आईपीएल, टी20 वर्ल्ड कप, जो जैसा सवाल आ रहा है पूछ लो कमेंट बॉक्स नीचे। शुभांकर भाई का सवाल का सीधा जवाब यही है, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी 2011 में भारत को जिताते हैं ओडीआई वर्ल्ड कप, उसके बाद सवाल उठे आईपीएल के जितने भी वो जो हुआ, लेकिन उसके बाद 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जिता देते हैं। इससे पता लगता है कि भारत ने टी20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया 2007 में, 2011 में भी हमने जीत लिया, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी तो धोनी ने पूरा विश्व जीत लिया था। लेकिन यार देखो, हर प्लेयर की जिंदगी में वो समय आता है जब आपका डाउनफॉल शुरू होता है, तो धोनी का जाना शुरू हुआ, लेकिन भारत को उनके जैसा कोई विकल्प नहीं मिला, क्योंकि पूरी दुनिया में शायद महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान पैदा हुआ ही नहीं है जो कि अपने देश को सब कुछ दिला दे। तो जाहिर है भारत को धोनी का विकल्प नहीं मिल पाया। भारत ने बहुत सारे ट्रायल किया, लेकिन यार जाहिर बात है धोनी कप्तानी की अगर हम बात करें तो धोनी धोनी है, बल्लेबाजी की अगर हम बात करें तो विराट विराट है, और विस्फोट करने की बात करें तो रोहित रोहित है। तो जाहिर है हर किसी की अपनी एक्सपर्टीज होती है, एंड बिकॉज मेरे को जो लगता है सबसे बड़ा कारण है धोनी का विकल्प भारत को मिल नहीं पाया, और 9 साल हो गए हमने एशिया कप तो जीता बट आईसीसी की ट्रॉफी में हम कुछ कर नहीं पाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो यार इरफान पठान ने वकार यूनुस का जवाब दे दिया। कल वकार यूनुस ने बड़ी बात कही थी, कहा था कि अफरीदी चलेगा, शाहिनशाह अफरीदी, तो भारत को बड़ा फायदा हुआ है। तो पठान भी बोल रहे हैं, बुमराह पटेल नॉट प्लेइंग एशिया कप इज रिलीज टू द अदर टीम। जैसे आपके शाहिनशाह अफरीदी नहीं खेल रहा है, हमारे भी बुमराह और हर्षल पटेल नहीं खेल रहे, तो ये भी दूसरी टीमों के लिए बहुत फायदे की बात है। इरफान पठान ने सचमुच ये बात कर कर तो दिल जीत लिया। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की बात करें, तो विराट कोहली वार्निंग दे रहे हैं, और विराट ने खुद वार्निंग नहीं दी है, पाकिस्तान के यासिर शाह जो कि स्पिनर रहे, अच्छे खासे स्पिनर रहे, उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि यासिर शाह ने कहा है कि विराट कोहली को हल्के में मत लेना, उनका हल्का फॉर्म भी आपकी बैंड बजा सकता है। तो यार यासिर शाह का ये बयान ये चीज जरूर बताता है कि पाकिस्तानी विराट से कुछ भी हो जाए डरे तो हुए। आगे बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की दोस्तों बात करते हैं। तो यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने देश के क्रिकेट को, पाकिस्तान सुपर लीग को बढ़ाने के लिए कुछ नया प्लानिंग किया है, और उसके लिए रमीज राजा जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने पीएसएल की सारी फ्रेंचाइजीज को ऑक्शन मॉडल जो है वो सेंड किया है। रमीज राजा चाहते हैं कि ऑक्शन, जिस तरह से आईपीएल में ऑक्शन होती है, नीलामी होती है, पीएसएल में ड्राफ्ट होता है, तो पीएसएल में भी ऑक्शन हो। लेकिन रिपोर्ट्स आर देयर कि पाकिस्तान सुपर लीग की कई सारी फ्रेंचाइजीज ये मानेगी नहीं, क्योंकि ऑक्शन में पैसे ज्यादा लगते हैं। ऑलरेडी जितनी भी टीम्स है ना पाकिस्तान सुपर लीग की, बहुत सारी टीम घाटे में चल रही है। तो पांचवी बड़ी खबर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंड जरूर किया है, पर मुझे नहीं लगता कि नीलामी होती हुई दिखेगी हमें पाकिस्तान सुपर लीग में। आगे बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो ये खबर दोस्तों भारत की टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड के हवाले से निकल कर आ रही है। रोहित शर्मा ने भारत की टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड पर एक बड़ी बात और एक बड़ा बयान दे दिया है। रोहित शर्मा बोल रहे हैं 80-90% स्क्वाड इज फाइनल। मतलब यार जो चीज मैंने कल बोली थी, शायद कल की वीडियो में मैंने बताया था कि जो टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड का ऐलान 15 सितंबर को होने वाला है, 80-90% स्क्वाड तो कंफर्म नहीं, तो जो 2-3 प्लेयर्स हैं उन पर ही बात है। हालांकि रोहित शर्मा कई प्लेयर्स को लाना चाहते हैं बट सेलेक्टर्स उसको डिनाय कर रहे हैं। दीपक चहर को लेकर भी मामला फंसा हुआ है, देखते हैं क्या होता है।
एक पॉसिबल चेंज नजर आ रहा है कि आवेश खान की जगह पर दीपक चहर, जो आवेश खान एशिया कप जा रहे हैं, शायद हमें T20 वर्ल्ड कप ना जाते हुए दिखे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, साथ ही बड़ी खबर की बात करते हैं। तो एबी डिविलियर्स के फैन ढोल लगा ले, बजा लो और तैयारी कर लो डिविलियर्स की आईपीएल वापसी की, क्योंकि भैया यहां से बड़ी रिपोर्ट आ रही है मिनी आईपीएल सीएसए T20 लीग को लेकर, जो कि साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक T20 लीग है। रिपोर्ट्स आर नाउ कंफर्म दैट एबी डिविलियर्स ड्राफ्ट प्रोसेस के लिए अपना नाम दे सकते हैं मिनी आईपीएल में। रिपोर्टेडली ड्राफ्ट या ऑक्शन, इन दोनों में से कोई एक प्रोसेस होगी, ज्यादातर चांसेस ड्राफ्ट प्रोसेस की है। अभी लगभग सारी टीमों ने अपने 3 से 5 प्लेयर्स ऑलरेडी ले लिए हैं, एबी डिविलियर्स ड्राफ्ट प्रोसेस का हिस्सा होंगे। बड़ी खबर यह नहीं है, बड़ी बात यह नहीं है, बड़ी रिपोर्ट यह है कि मुंबई इंडियंस केप टाउन की टीम के हवाले से खेल सकते हैं मिनी आईपीएल में। आरसीबी खेल नहीं रही है तो मुंबई की टीम इन्हें साइन अप कर सकती है, और जाहिर है ब्रांड बहुत बड़े हैं तो मुंबई की टीम अपनी एड़ी छोटी कदम लगा भी देगी, मुंबई के पास पैसे भी हैं। और बड़ी बात ये भी नहीं है, बड़ी बात ये है कि जिस टीम में जाएंगे उस टीम की कप्तानी भी कर सकते हैं। और बड़ी बात एक और है कि यहां से उनके दरवाजे ओपन होंगे आईपीएल, मेन आईपीएल में वापसी के। तो अगर आप भी चाहते हैं, आप एबी को फिर से एक्शन में देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात करते हैं दिन भर की आखिरी बड़ी न्यूज की। ये रिपोर्ट दोस्तों रवि अश्विन के हवाले से निकल कर आ रही है। रवि अश्विन ने जिम्बाब्वे T20 लीग पर बड़ा बयान दे दिया, बड़ी बात कह दी और मजे ले लिए। उन्होंने कहा है कि जितनी बेस प्राइस होती है आईपीएल में एक इंडियन डोमेस्टिक खिलाड़ी की, उतनी प्राइस मनी मिलती है जिम्बाब्वे T20 लीग में विजेता टीम को। हालांकि अश्विन ने यह बयान तब दिया जब यह कहा जा रहा था कि विदेशी लीगों में भारतीय प्लेयर्स को क्यों खेलने नहीं दिया जाता। तो अश्विन बोल रहे हैं कि सिर्फ पैसा ही रीजन है कि इंडियन प्लेयर्स खुद जाकर नहीं खेलते। ऑल दो हमें पता है बीसीसीआई इजाजत नहीं देता, ऑल दो हमें पता है कि अश्विन भी इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमें यह भी पता है कि आप जिम्बाब्वे T20 लीग छोड़िए, जो यूएई इंटरनेशनल T20 लीग होने वाली है, इसमें 3-3 करोड़ रुपए मिल रहा है प्लेयर्स को खेलने के लिए, जो कि बड़ा अमाउंट होता है। बट यार बीसीसीआई इजाजत देगा नहीं, तो अश्विन ने संतुष्टि दे दी। नौवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। शुभमन गिल ने कुछ ऐसा किया है जो कि एक बहुत बड़े संकेत भारत के फ्यूचर को लेकर दे रहे हैं। शुभमन गिल को इंडिया ए की लीड कप्तानी दे दी गई है। टेस्ट होंगे इंडिया या न्यूजीलैंड ए के बीच सितंबर में, और ओडीआई होंगे, वनडे होंगे, उसमें सब में गिल ही कप्तानी करेंगे। यहां से संकेत मिल रहे हैं कि भारत फ्यूचर में क्या कप्तानी हो सकती है उसको फोरकास्ट करने की कोशिश कर रहा है, और गिल को भी एक प्रारंभिक विकल्प प्राइमरी ऑप्शंस के रूप में जरूर देखा जा रहा है। दसवीं बड़ी न्यूज की बात कर रहे हैं, वेंकटेश अय्यर ने दे दिया बड़ा बयान, कह दी है बड़ी बात। ऑल फॉर्मेट, सभी फॉर्मेट में खेलने को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा आई कंसाइडर ऑल लेवल द सेम, आईपीएल हो, डोमेस्टिक क्रिकेट हो, इंटरनेशनल हो, सब मेरे लिए सेम है। ये बोल रहा है वेंकी अय्यर। वेंकी अय्यर जो कि डिमोट हुए हैं टीम इंडिया में सेलेक्ट होने के बाद, अचानक से खराब फॉर्म और उसके बाद टीम इंडिया से पूरी पिक्चर से बाहर और खराब फॉर्म कंटिन्यू, इस पर उन्होंने बड़ी बात कही। यदि दिन में की 10 बड़ी खबरें, भैया कमेंट बॉक्स नीचे अपना सवाल पूछो, कल आपके सवाल का जवाब दे देंगे। तो आज जिस तरह से शुभांकर भाई हमारी वीडियो का हिस्सा बने, कल आप बन जाएंगे। सवाल मत पूछना कि देरी मत करना भैया, फटाफट कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ लेना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाइए।